नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 20 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों पे। जया शेट्टी हत्याकांड में छोटा राजन को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत। पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुए नियुक्त। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे शूटर, क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर टोले से टकराई स्लीपर बस, 3 की मौत, 47 घायल। केरला वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने रवाना हुई प्रियंका, रोड शो में राहुल गांधी भी साथ। संजय निषाद की बीजेपी महासचिव सुनील बंसल से मुलाकात, कटेहरी और मझवा विधानसभा सीटों पर फंसा है पेच। नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, फॉर्चुनर में जलाई लाश। लखनऊ में पूर्व आईएएस के साथ 1 करोड़ की ठगी, दर्ज हुई एफआईआर। बेंगलुरु में बारिश से 7 मंजिला इमारत गिरी, 5 मौतें, डिप्टी सीएम बोले प्रकृति को नहीं रोक सकते। जेडीएस बोली कांग्रेस ने दुर्दशा कर डाली। लखनऊ में एमआई ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेट, बिल्डर कादिर अली के ऑफिस सहित 16 ठिकानों पर कार्रवाई। साइक्लोन दाना का असर, ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क टेम्पल बंद। एमबीए में खींचतान के बीच संजय राउत ने महाराष्ट्र की 100 सीटों पर ठोका दावा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, हत्या करने से पहले शूटर ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई से की थी बात। शाम 4 बजे आएगी एमबीए के सभी उम्मीदवारों की लिस्ट, राउत बोले हम सत्ता पर कब्जा करने जा रहे। गुजरात के गांधीनगर में नकली जज पकड़ा गया, फर्जी कोर्ट चला रहा था, विवादित मामलों में फैसले देकर 100 एकड़ जमीन भी हड़पी। लखनऊ में डेंगू मरीज की संख्या 1550 के पार पहुंची, 2 मौत के बाद 56 नए केस रिपोर्ट हुए। सीआईडी के सूरत में रेव पार्टी पर छापा, शराब के साथ ड्रग्स भी मिली, सिक्किम नेपाल की लड़कियों समेत 14 लोग पकड़े गए। आईपीएल मेगा ऑक्शन एलएसजी में केएल राहुल पर फैसला बागी, रिटेंशन लिस्ट तैयार नहीं, पूरन मयंक का नाम आगे, रोहित को रिटेन कर सकती है मुंबई। लॉरेंस से मिल रही धमकियों के बीच दुबई जाएंगे सलमान। औद्योगिक एल्कोहल के उत्पादन पर केंद्र सरकार को झटका, 9 जजों की पीठ ने राज्यों के पक्ष में दिया फैसला। इस टॉप 20 न्यूज में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।